हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आटे की पूड़ियां और पनीर की सब्जी। तो देखिए, हमने आटे की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिया है। ये हमने लिया है गेहूं का आटा और हमने लिया है कसूरी मेथी और इसमें हम डालेंगे अजवाइन और हल्का सा नमक। तो हम लोग चलते हैं, ये आटे का एक डो बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के आटे की अगर पूड़ी हम लोग को मुलायम बनानी है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो देखिए, हमारे आटे का डो बनके तैयार हो गया। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए। तो हम चलते हैं अब पनीर बनाने के लिए। चलिए चलते हैं हम लोग पनीर बनाने। पनीर बनाने के लिए हमने लिया है पनीर, इनको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और इसमें डालने के लिए हमने लिया है कुछ काजू, ये है हरी मिर्च और ये है अदरक और ये है टमाटर। इनको हमने रफली काट लिया है क्योंकि अभी इनको हम जो है इनका पेस्ट बनाएंगे इनका भून के, और उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा और ये धनिया हम बाद में डालेंगे जब हमारी सब्जी बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं इन सारे सब्जियों को, सॉरी ये सारे जितने टमाटर और ये सब जो है इनको इंग्रेडिएंट्स को हम चलते हैं भूनने के लिए। तो देखिए, हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है। आप रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं इसलिए हमने सरसों का ही तेल लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं तो देखिए हमारे ये रोस्ट हो चुके हैं टमाटर। तो देखिए रोस्ट ये कैसे हुए हमको ऐसे पता नहीं, देखिए इसने छिलका छोड़ दिया है। ये देखिए हमारा छिलका कितने आराम से निकल जा रहा है। तो अब चलते हैं हम इनका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए कितना फाइन हमने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के लिए जब आप इनको रोस्ट करेंगे तो थोड़ी देर इनको पहले ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा, तब रोस्ट करिएगा, तब इनको जो है इनका मिश्रण बनाइएगा। तो तेल देखिए हमने कढ़ाई में रख दिया है गर्म करने के लिए। अब इसमें हम तलेंगे पनीर। तो देखिए पनीर हमारी तल चुकी है। आप चाहे तो पनीर को बिना तले भी डाल सकते हैं, इसलिए आप बिना तले भी पनीर का यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हमने पनीर को इतना हल्के से ही तला है, ज़्यादा इसको हम डार्क हम नहीं करेंगे, नहीं तो ये खाने में अच्छी नहीं लगती है फिर। तो अब चलिए चलते हैं हम सब्जी बनाने हैं। तो देखिए तड़के के लिए हमने क्या क्या लिया है। हमने लिया है हींग और हरी छोटी इलायची, लौंग और मसाले में हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इसको भी हमने भून के ही पीसा है, और यह है हल्दी और यह है गरम मसाला। जीरा पाउडर और जो है काली मिर्च पाउडर जो है इसको हमने घर में ही बनाया है, इसका यूज हम हर सब्जी में करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। तो देखिए मसालों को हल्का भून लेंगे, तब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है टमाटर का वो डालेंगे क्योंकि वो पहले से ही रोस्ट की हुई है। मसालों को हम बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का ही भूनेंगे, थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाया है। इस सब्जी का टेस्ट और अच्छा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मलाई की क्रीम या दही भी डाल सकते हैं। तो चलते हैं हम, ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है ये हल्की सी दही क्योंकि हमारे पास क्रीम थी नहीं, लेकिन अब इसमें अभी जो है नमक नहीं डालेंगे, हम नमक बाद में ही डालेंगे क्योंकि इससे हमारा जो है ग्रेवी हमारी खराब हो सकती है। इन मसालों को हम धीरे धीरे आग पे भूनेंगे क्योंकि इसमें हमने दही डाली है, तो इससे जो है हमारे दही फटने का डर रहता है, तो इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून चुका है और ये तेल छोड़ने लग गया है, जिसमें पता चल जाता है कि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। और यहीं पर हम डाल देंगे मटर। देखिए मटर को भी थोड़ी देर तक भून लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें तली हुई पनीर। देखिए हमारा सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो पनीर हमने यहाँ डाल दिया है, अब इसको भी हम थोड़ी देर तक भूनेंगे धीमी आंच में। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन हम पहले डाल देंगे और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब सब्जी को रख देंगे हम ढक के पकने के लिए कुछ देर के लिए। जब सब्जी थोड़ा सा पक जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे नमक।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब यहीं पर हम इस पर डाल देते हैं कटा हुआ। देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है और बिना लहसुन प्याज के हमारी ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी बनी हुई है। फ्रेंड्स, जो हमने डो बना के रखा था वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब चलते हैं पूड़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए पूड़ियाँ हमने बेल ली है, अब इसको हम तलते हैं। और हमारा तेल भी देखिए कढ़ाई में गर्म हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ियाँ कितनी फूल रही है और इनका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।